हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ फूड का कराची। तो आज हम करें हैं फर्स्ट एपिसोड में आयशा मंजिल लोकल फूड स्ट्रीट पर। तो आज मैंने बड़ी सर्च करा था यूट्यूब पे आयशा मंजिल की जो ये है फूड स्ट्रीट, लोकल फूड स्ट्रीट। यहाँ बिल्कुल भी बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग ट्राई करते हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि यार यहाँ पर आपको लेकर आए स्पेशल फूड के कराची एपिसोड 1 में हम आपको यहाँ पे लेकर। तो फिर चलो यहाँ पे कोई यूनिक चीज भी आज नहीं 40-45 साल से फूड का कराची मोमोज ट्राई करने वाले फूड का कराची। यहाँ पर हम चलते चलते हम क्या जो मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे हम। ठीक है, और यार ये चीज़ अच्छी लग रही है मुझे, बर्गर। यहाँ पे कोई यूनिक चीज़ मिली आज भाई, कलेजी बर्गर यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे इनके पास दोनों तरह के बर्गर हैं, एक दाल वाले कबाब वाला और कलेजी वाला। कलेजी बर्गर देखते हैं, मैं तो खाता नहीं, अब्दुल भाई ट्राई करके बताएं। आज आप खा के रहोगे इन लोगों के। नहीं खाता यार। अगर आप 400 सब्सक्राइबर कर दें तो मैं खिला के रहूँगा। इसको कर दें आप, इसमें यहाँ आके आप सब्सक्राइब करें जल्दी से। भाई आज ट्राई करते हैं और पूछते हैं कितने का क्या सीन है इनका। और लोगों का रश तो बड़ा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या दे रहे हैं आप यहाँ पे अभी? सर कबाब वाला बर्गर है, अंडा कबाब है, कलेजी वाला है। कलेजी वाला भी है? जी कलेजी वाला। यहाँ पे ट्राई करोगे? बिल्कुल आप ट्राई करो। और प्राइस बता दें जरा साथ साथ। कबाब वाला 80 का है, अंडा कबाब 110 का है और कलेजी वाला 100 का। ठीक है, एक अंडा कबाब कर दें आप और एक कलेजी कर दें। चलें सर, आप देखें छतरपुर में सब होममेड है, सब देख कर रहे हैं, मसाले सब VIP होता है। अभी पहले ये लंबा वाला बन किसके लिए? ये अंडा कबाब बनेगा, कलेजी वाला आपका गोल में बनेगा। ठीक है, और ये कलेजी किसकी है? कलेजी चिकन की होती है हमारी। चिकन की होती है, हम लोग रखते हैं शुरू से तक 22 साल से चिकन की रखते हैं। ठीक है, और चटनी वगैरह घर में बनती है? चटनी वगैरह सर ये ग्रीन चटनी, मिंट और कोरिएंडर पुदीना, हरा धनिया और पुदीना वगैरह सही है। ठीक है, तो चटनी की क्वांटिटी आप अंदाजे से लगाते हैं या है कुछ? अंदाजे से लगाते हैं लेकिन ये कि नॉर्मल बनता है, अगर जो स्पाइसी बोलता है तो फिर ज़्यादा लगा देते हैं। ठीक है, और क्या क्या धनिया अभी? अभी इसमें सैलड चलेंगी, मेयोनीज, केचप और वो भाई कलेजी आ रही है। अगर कोई स्पाइसी बोलता है तो हम इसमें डाल देते हैं, लेकिन नॉर्मल मसाला है जिसमें। आपको स्पाइसी चाहिए? स्पाइसी चाहिए। पहले अपनी स्पाइसी हो जाएगी, देखिए अब आपको तो पता है पूरी लोगों तो स्पाइसी को खाएंगे। ठीक है, बस आपके पास कौन सा चलता है दादा? स्पाइसी चलता है, कलेजी वाला चलता है। स्पाइसी कलेजी वाला भी चलता है, कबाब वाला भी चलता है, अंडा कबाब भी। और बाकी इस स्ट्रीट पर क्या क्या कैसे लोगों का रुझान है? माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन है क्योंकि ये 40-45 साल से स्ट्रीट है। हाँ, अभी से नहीं है, तकरीबन 785 से लगे हैं स्टॉल। ठीक है भाई, आपको लोकेशन भी बताते चलें कि ये आगा खान हॉस्पिटल है आयशा मंजिल पे, बिल्कुल उसी के बराबर में एक जो गली जा रही है, फूड स्ट्रीट चल रही है। फूड स्ट्रीट है बिल्कुल, इस चार्ट पे ही ये दुकान है। भाई आप दिखाएं हमने क्या क्या मंगवाया भी यहाँ पे। हमने एक कलेजी बर्गर मंगवाया है और साथ में बन कबाब मंगवाया है। तो ये सादा मंगवाया है हमने क्योंकि अंडे वाले तो हर जगह ट्राई करते ही रहते हैं, तो ये चीज़ देखते हैं इसका क्या टेस्ट आ रहा है। और उन्होंने चटनी भी सब कुछ होम मेड है इनका, जल्दी से आपको आप ये वाला ट्राई करें। ये वाला ट्राई, इनको कलेजी खाती नहीं आती तो मैं ट्राई करता हूँ कलेजी वाला। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये, इतना स्पाइसी है कि कलेजी का टेस्ट नहीं आ रहा। और मेरा वाला भी थोड़ा स्पाइसी है, जो इनकी शायद चटनी है वो स्पाइसी है थोड़ी। और बाकी लेकिन ज़्यादा करते हैं स्पाइसी तो फ्लेवर नहीं आ रहा बिल्कुल। और बाकी ये नॉर्मल से बर्गर है जैसे हर जगह होता है वैसे ही है। और इसमें थोड़ा दाल वगैरह जो हमने बताया है वो बर्गर दाल का बर्गर है। अभी ट्राई करता हूँ ये कैसा है। और एक बात यहाँ पे अच्छी है कि फ्रेश वेजिटेबल डाला है इन्होंने, जो भी यूज़ किया है इन्होंने माल वो सारा जो है फ्रेश है, उसका थोड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो फिर भी अच्छा है। जो हर चीज की जान है यार शावरमा। अब बिल्कुल शावरमा ट्राई करने चलते हैं बिल्कुल। तो आज चलते हैं
जाकर हमने बटवा खाया, बिल्कुल उसी के सामने ही था शावर वाला। तो हमने सोचा यहाँ पर जब आए गए और हमारी जान है शावर में, तो इस चीज़ को भी ट्राई करें। तो आते ही जो ये शावर बना रहे थे, थोड़ा कैमरा शायद हो तो उन्होंने ज़्यादा बोला नहीं, और शावरमा लेकिन अच्छा बन रहा है। और इन्होंने एक और चीज़ की, इनके पास मस्टर्ड सॉस, ये दिखाएं ज़रा कैमरा मैन, ये चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, इसलिए हम हाफ हाफ करेंगे भाई। तो बड़ा यूनिक सा लग रहा है, बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपने चिकन देखा, चिकन भी बड़ी अच्छी थी, फुल सॉफ्ट हो चुकी थी जो इन्होंने कटी हुई है। और बाकी मटन सॉस डाला, इतना बड़ा अच्छा था लगा मुझे, इतना शावर में होता है वैसे ही बनाया है, मुझे लग रहा है। हाँ भाई, वाह यार, काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आया। जो मस्टर्ड में सॉस का जो टेस्ट आया ना, ये काफ़ी अच्छा था। बाकी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा है। और प्राइस बता दो कितनी है? प्राइस जो है 150 की है, नॉर्मल है। और यहाँ मुझे थोड़ा ऑथेंटिक शावर में लग रहा है, बाकी सबके बिना उस पर बिहार से। और इनकी मस्टर्ड सॉस भी बहुत अच्छी है। फिर आपको अभी नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं। तो आपने अभी तक हमने तीन चीज़ें ट्राई कर ली है, चौथी के इंतज़ार में घूम। चौथी के इंतज़ार में यार, हम कोई भी अच्छी सी चीज़ देखेगी वो देखेंगे। और हमने आपको बताया है फूड का कराची, हम पूरा छान देंगे जितने पूरे कराची को हो सकेगा, बिल्कुल लोकल स्ट्रीट में हम आपको दिखाएंगे। तो आते ही आते ही कुछ दिखा देगा यार, ये बहुत ही चाट है, आप देखते हैं यहाँ पे। तो आप चाट हम ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि हमें, हम थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी इंडियन डिश मिल रही है यहाँ पे, मोमोज। ये लेडीज चला रही है यार, ये बहुत अच्छी सी बात है। आंटी हैं यहाँ पे, वो चला रही हैं। और मोमोज देखे हमें, और मोमोज तो आपको पता है फिर यूनिक सी चीज़ है। हाँ यार, वो ट्राई करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कैसे होता है। फर्स्ट टाइम आंटी, आप कब से यहाँ पे हैं? यहाँ पे मेरे को 1 महीना हो गया। अभी 1 महीना हुआ, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? तो आज से ही हम लोग अब मोमोज ट्राई करने वाले हैं, एक्सपीरियंस। और ये बीफ मोमोज है, बीफ मोमोज है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है यार, एक आंटी चला रही है, हमें भी इनको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, ये थोड़ा एंड की साइड पर बैठी है आयशा मंदिर फूड स्ट्रीट, जो लोकल फूड स्ट्रीट बिल्कुल जो अंदर आगा खान के बराबर में जो गली चल रही है उसी में हम आप अंदर आएंगे तो है। मोमोज के यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो भाई इसकी प्राइस जो है ये है 360 के 12 पीस, हमने 6 पीस मंगवाए, ये एक्सपीरियंस करने के लिए 6 पीसेस मंगवाए, 180 के। बिल्कुल, तो ट्राई करो आप भी, पहले आप करो। और इस पर जो भी मसाले फ्लेवर वगैरह हैं खुद इनके आंटी के अपने बनाए हुए, ट्राई करो। वाह यार, हम बीफ का जो वो कीमा समोसा खाते हैं वैसा टेस्ट आया मेरे, मतलब क्रिस्पी नहीं है, क्रिस्पी नहीं है, मज़ा आया अंदर जाते ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल, और अच्छा स्पाइसी है, बड़ा मज़े का लग रहा है यार। और जो बिल्कुल जो ग्रीन चटनी है उसका भी खट्टापन आ रहा थोड़ा, अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैसे हमारा। बिल्कुल शेयर्ड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, शुक्र है, ये अच्छी चीज़ है। कराची एपिसोड 1 में जो है इसको इख्तिताम में करने वाले हम, वो भी फालूदे पे, फालूदे फालूदा ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। आ जाए चलें। सर आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद खालिद। आप कब से यहाँ पर हैं? तकरीबन मुझे हो गए हैं तकरीबन 15-20 साल तो हो गए। 15-20 साल हो गए। हाँ जी, अभी क्या क्या है आपके पास? कुल्फी फालूदा, आइसक्रीम फालूदा, शरबत दूध वाला। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये आइस बॉक्स है, इसके अंदर कुल्फी और आइसक्रीम। कुल्फी और आइसक्रीम आप बनाते हैं? जरा कुल्फी फालूदा बनाते हैं और एक शरबत बनाते हैं दूध वाला। ठीक है, क्या आप कुल्फी खुद बनाते हैं घर पे? कुल्फी भाईजान हम खुद बनाते हैं घर पे अपने कारखाने में। कारखाने भी? हाँ बिल्कुल, सालगिरह का है, शादी ब्याह का है, पिकनिक पार्टी का, ये सब आपके पास। आप नंबर वंबर बताते अपना कुछ? हमारा नंबर ये मेरा ये शुरू दिन से इधर ये चल रहा है 0300-34-88-19। आप पहले फालूदा बना रहे ना? ये कुल्फी बन रही है भाई, कुल्फी की मिकदार तो ज़्यादा है भाई, देसी घी से बनी है। बिल्कुल पक्की बात है ना? हाँ पक्की, देसी घी, खोया, दूध और चीनी। और जैसे भैया ये फालूदा है, इसका फालूदा, ये तो मलंगा है, और ये रोस्टा है। और क्या रोस्टा भी तलेगा? अच्छा भाई, भाई एक हमारे पास आई है कुल्फी फालूदा और दूसरा दूध वाला शरबत। तो भाई हमजा भाई दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कुल्फी फालूदा, अब इसको टेस्ट करके टेस्ट करके बताओ कैसा है। बिल्कुल टॉपिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, ड्राई फ्रूट खोपरे की, और फुल लोडेड है ये।
ये कैसा लगा भाई? जो इसमें ड्राई फ्रूट था यार वो काफ़ी इन्होंने ज़्यादा डाला हुआ है सही है पहली बाइट में, और बाकी जो इनका कुल्फी फालूदा है ये बड़ा अच्छा है, ये इन्होंने हैंडमेड बनाया हुआ है, कह रहे हैं ये अच्छा आया है। तो भाई अब दूसरे पे चलते हैं, दूध वाले शरबत पे। फालूदा, और दूसरा इन्होंने जो खोपरा डाला था पिज़्ज़ा हुआ ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, और रोज़े का जो आ रहा है टेस्ट वो अच्छा है। हाँ भाई बहुत ज़बरदस्त कुल्फी फालूदा भी हमारे पास मेल्ट हो रहा है, तो चलिए जल्दी आपको ट्राई करके बताते हैं कैसा है ये। आप मैंने तो रिव्यू दिया है उनको तो बड़ा अच्छा लगा ये। कुल्फी का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है, बिल्कुल जैसा ही बता रहे हैं देसी घी वगैरह से बनी है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जो खोपरा पिसा हुआ बेहतरीन यार, और ड्राई फ्रूट अलग ही मज़ा दे रहा है इसके अंदर। हमारा दूसरा आइटम है दूध वाला शरबत, अब ये ट्राई करते हैं कैसा है। अच्छा ये भी, लेकिन इसमें बर्फ़ इतनी डाल दी है वो पानी हो गया, बाकी अच्छा ये कुल्फी को, ये कुल्फी वाला बड़ा था बड़ा। तो गाइस हमारे फूड वगैरह अच्छी है, एपिसोड में यहाँ पर एंड होती है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे कितनी मजी मजी की चीज़ें ट्राई करी और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी, और आपको कितने सारे चीज़ें दिखाई यहाँ पर, पूरी गली भरी पड़ी हुई है। और यहाँ पे और भी चीज़ें जो आप आए यहाँ पे लाजमी ट्राई करें, और यहाँ पर सूप भी था जो कि हम सूप की वीडियो पहले डाल चुके थे, तो इसलिए हमने डाली नहीं है। और ये लोकल फूड है तो आप यहाँ पर आए इसको प्रमोट करें, क्योंकि यार ये ठेले पे लेके बैठे हुए आपने जैसे देखा यहाँ पे कंटी भी मोमोज चला रही है, तो इस चीज़ को प्रमोट करें। और फूड स्ट्रीट ऐसा ऐसा खत्म होती जा रही है पाकिस्तान में से, तो इस चीज़ को ज़रा देखें। और वैसे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, जायका इतना बेहतरीन था। यूट्यूब पे जितने भी व्लॉगर थे मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग फूड स्ट्रीट बनाएं, वीडियो वगैरह बनाएं, इनको प्रमोट करें थोड़ा लोकल स्ट्रीट फूड। तो फिर मिलते हैं आपसे न्यू एपिसोड में, जब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।